बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीजनल फूड। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर एक और मज़ेदार सी ज़बरदस्ती स्पेशल सी डिश लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है स्वीट डिश, आप इसे ऐसा मिठाई भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और अभी आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है तो मीठा खाने को तो बहुत ही दिल चाहता है। तो यहाँ पर मैं आज बूंदी तैयार करने वाली हूँ, तो जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कप बेसन ले लिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसके लिए रेसिपी के लिए 2 कप बेसन चाहिए होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये छलनी रख ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी बेसन। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी गिट्टियाँ हैं, ये इसको हम लोग जब ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल सही होकर इसमें छलता रहेगा और गुठलियाँ भी सारी टूट जाएंगी, ठीक है। ये इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैं 2 प्याली ये वाली, देखिए आप अपने घर के किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं, बेसन ले रही हूँ। इसको मैं छान लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, बेसन छन के हमारे बाउल में आ रहा है, तो इसको हम इसी तरह से छान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सिंपल वाटर से हम लोग इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए ये नहीं कि इतनी क्वांटिटी में आपको बेसन लेना है या कुछ भी, आप जितना भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, इसके अंदर कम ज़्यादा कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है। जितना भी आपको तैयार करना है, जितनी भी आपको बूंदी बनानी है, आप बेसन लें और उसका एक ऐसा बैटर तैयार करें और बना लें, बस सिंपल। इसमें कोई इतना नहीं है कि आपने ये क्वांटिटी में लेना है, इतनी क्वांटिटी में ये लेना है, लेकिन ये है कि बैटर को तैयार करते वक्त बस उसकी जो हमने कंसिस्टेंसी रखनी है, बस उसका हमें ख्याल रखना है कि हमें कितनी थिक और कितना हमें पतला बैटर चाहिए, ठीक है। देखिए, तो ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि बेसन हमारा अच्छे तरीके से फूल जाए। तो तब तक जो है, मैं इसके जो हमने इसका शीरा तैयार करना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बूंदी का शीरा तैयार करने के लिए 1 गिलास में पानी डालूंगी, ठीक हो गया। और इसमें पानी अभी मैं और ऐड करूँगी। यहाँ पर देखिए, 1 कप मैंने 1 प्याली चीनी ले ली है, वो मैं उसमें यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अब इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे, थोड़ा सा जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, तब तक कि हमारा शीरा तैयार हो जाएगा अच्छा सा। तो देखिए, शीरा हमारा पक रहा है, चीनी मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची डाल दी थी इसमें, और ये देखिए यहाँ पर लेमन है हाफ, वो मैं इसमें यहाँ पर इसका जूस डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा शीरा है वो जमेगा नहीं, बूंदी ठंडी होने के बाद जैसे वाइट वाइट सी पर्क आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ अच्छी तरह से और थोड़ा सा इसको हम और पका लेंगे। तो ये शीरा हमारा 5 मिनट में इसको और पकाऊंगे। और देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर फूल गया है। और अब देखिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर लूँगी 2 जगह पर। और इसमें भी थोड़ा सा मैं डाल लूँगी। और ये जो बाकी है ये हम इसी तरह का रहने देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच के करीब इसमें देखिए ग्रीन कलर डाल दिया और इसको मैं मिक्स कर दूंगी इसके साथ। यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो हो जाएगा ग्रीन कलर का, और जब हमारी बूंदी बनकर आएगी तो बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर होगा उसका। और ये हो चुका है, देखिए मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर ये जो रखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी रेड कलर, फ्रूट कलर है ये भी। तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर 1 पिंच के करीब ही मैं डाल लूंगी, ये काफी डार्क कलर है, मेरे हाथों में भी साथ साथ लग रहा है। तो ये देखिए, मैं इसको इसके साथ मिक्स कर लूंगी। बूंदी का बैटर जो है बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसको फाइनली कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की छन्नी ले ली है मैंने, और देखिए ये मैंने यहाँ पर बैटर लिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी। तो ये देखिए अच्छे तरीके से जो है नीचे देखिए निकलना शुरू हो गया है। बहुत ही ईजी करके आराम आराम से आप डालें इसमें, ताकि हमारा जो बैटर है वो इकट्ठा ना हो।
बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए हमारी बूंदी है बन जाएगी, बहुत ही मस्ती और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। आप देख सकते हैं ये देखें, ये देखिए बहुत ही कलर प्यारा सा आ रहा है, देखिए ग्रीन कलर। तो हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल भी गोल्डन कलर नहीं करना है, बस ये देखिए जैसे ही हमारी ये फूलना शुरू हो जाए तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बन गई है हमारी, अब इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ग्रीन वाली हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बन गई थी, अब ये देखिए रेड वाला जो बैज है वो हम यहाँ पर अब डालेंगे इसमें। ये देखें साथ में प्याज से डालेंगे ताकि इकट्ठा ना हो, बस अगर ये इकट्ठा हो जाएगा तो एक ही जगह पर सारी बॉल जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। ये लीजिए देख सकते हैं आप, बहुत ही जल्दी से आराम से आप लोग घर में इसको बना के ट्राई करें, बहुत ही इजीली बन जाती है ये। तो कलर जब ये सारे इकट्ठे होके मिल जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा एक इसका लुक आता है। तो ये देखिए ये हो गई है, बस इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल बनकर हो गई है रेडी, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये कलर, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर मैंने जो इसका शीरा तैयार करके रखा हुआ था थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने घी लिया हुआ है, ये गर्म है बहुत पानी इसका जो शीरा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल दूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, उसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो गया इसमें, अब ये जितनी भी यहाँ पर मैंने ये ली हुई है ये मैं शीरे में डाल दूँगी। मैंने डाल दिया उसको यहाँ पर, इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि शीरा जो है अच्छे से हमारी जो बूंदी है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड 10 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल लिया है शीरे में से, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शीरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखें, ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसने शीरे को अपने में ले लिया है। देखें सॉफ्ट सी ये बन गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी, और ये हमारी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजीली बन जाती हैं घर में। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मिलती हूँ इसी तरह की एक और मज़ेदार सी रेसिपी में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।